सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। एंटोनियो ग्राम्सी इटली के एक प्रमुख नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार, समाजशास्त्री एवं राजनीतिक विचारक रहे हैं। इन्होंने समाजशास्त्र तथा राजनीति सिद्धांतों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक प्रमुख नेता रहे हैं। इनके लेख और विभिन्न गतिविधियों के कारण इटली के फासिस्टवादी, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी विचारधारा वाले थे, मुसोलिनी शासन के द्वारा इन्हें कारावास में डाल दिया गया। ग्राम्सी ने अपने छोटे से जीवन काल में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनमें आधिपत्य, बुद्धिजीवियों की भूमिका, राज्य एवं नागरिक समाज, इतिहासवाद, आर्थिक निर्धारणवाद तथा भौतिकवाद की समालोचना आदि कुछ प्रमुख विचार हैं। इन सब विचारधाराओं में भी उन्हें आधिपत्य तथा नागरिक समाज जैसी अवधारणाओं के प्रमुख प्रणेता के रूप में विशेष मान्यता दी जाती है। ग्राम्सी का जन्म सर्दिनिया द्वीप के एलेस में 22 जनवरी 1891 में हुआ। 1898 में इनके पिता को गबन के अपराध में कारावास की सजा होने पर पूरा परिवार आर्थिक संकटों से घिर गया। फलस्वरूप बाल एंटोनियो ने स्कूली शिक्षा को छोड़कर आजीविका उपार्जित करने में लग गए। एक विशेष तरह की तपेदिक या टीवी के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में विकास हो जाने के कारण उनकी शारीरिक वृद्धि रुक गई और युवा होने तक उनकी लंबाई केवल 5 फीट तक ही पहुंच सकी। 1911 में 20 वर्ष की आयु में ट्यूरिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति मिली। इसी छात्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने साहित्य के अध्ययन के साथ ही भाषाशास्त्र के अध्ययन में गहरी रुचि लेना आरंभ किया। 1913 में ग्राम्सी इटली की समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए। 1922 में ग्राम्सी ने इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रूस का दौरा किया। यहीं उनकी भेंट जूलिया शूच से हुई, जिसके साथ उन्होंने 1923 में विवाह कर लिया। 9 नवंबर 1926 इटली की फासिस्ट सरकार ने देश में आपातकालीन लागू किया। इसके पीछे कारण था मुसोलिनी की हत्या करने का षड्यंत्र। इस समय ग्राम्सी यद्यपि संसदीय व्यवस्था के समर्थक बन चुके थे, उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके रोम के एक कारावास में डाल दिया गया। उनके मुकदमे में अभियोग पक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि हमें ग्राम्सी के दिमाग को 20 वर्ष तक काम करने के अयोग्य कर देना जरूरी है, और इसी कारण उन्हें तुरंत कारावास की सजा दे दी गई। इसके बाद जेल में ग्राम्सी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण 1934 में कुछ शर्तों के साथ उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस गार्ड की देखरेख के अंतर्गत रोम के क्यूसिस्ना अस्पताल में 1937 में उनका निधन हो गया। उस समय ग्राम्सी की आयु केवल 46 वर्ष की थी। इस प्रकार से ग्राम्सी का जो जीवन है वह रहा। और अब हम चर्चा करेंगे ग्राम्सी के चिंतन या उन्होंने जो समाजशास्त्र को योगदान दिया उसके बारे में। अनेक विषयों पर अपने महत्वपूर्ण चिंतन के बाद भी ग्राम्सी अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं लिख सके। कारावास की लंबी अवधि में उन्होंने जेल में लिखी नोटबुक में लगभग 3000 प्रश्न लिखने के साथ ही लगभग 500 पत्र भी लिखे। इस अवधि में उनके मित्र पियरो श्राफ ने ग्राम्सी को अपने खर्च पर उनकी इच्छा की पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के साथ ही बौद्धिक लोगों से उनका संपर्क भी स्थापित कराया। ग्राम्सी के पत्रों पर जेल में निगरानी रहने के कारण यह भी संदेश रहा कि इन पत्रों में वह अपने विचारों को कितने स्वतंत्र ढंग से व्यक्त कर सके होंगे। इसके बाद पियरो श्राफ की सहायता और प्रयत्नों से ग्राम्सी की मृत्यु के लगभग 35 वर्ष बाद 1971 में उनके विचारों पर आधारित पुस्तक सेलेक्शन फ्रॉम प्रिजन नोटबुक ऑफ एंटोनियो ग्राम्सी प्रकाशित हुई। जेल की नोटबुक तथा पत्रों के आधार पर एंडरसन पेरी कैलरी और क्वेरा देवी कमरेरे ने ग्राम्सी के विचारों पर आधारित पुस्तकें लिखी। उन्हीं पुस्तकों के आधार पर संपूर्ण विश्व उनके विचारों से अवगत हो सका।
ग्राम्सी की जेल नोटबुक में दिए गए विचार मुख्य रूप से इटली के इतिहास, राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी चिंतन, आलोचनात्मक सिद्धांत तथा शैक्षणिक सिद्धांत से संबंधित उनके अंतर्गत उनके चिंतन के प्रमुख पक्ष निम्नांकित हैं जिनकी हम आगे चर्चा करें। सांस्कृतिक आधिपत्य जो पूंजीवादी राज्य के वैधीकरण तथा उसे बनाए रखने का एक साधन है। दूसरा, कामगार अथवा श्रमिक वर्ग से बुद्धिजीवियों के विकास के प्रोत्साहन के लिए लोकप्रिय श्रमिक शिक्षा की आवश्यकता। तीसरा, आधुनिक पूंजीवादी राज्य का विश्लेषण जिसके द्वारा राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज के बीच भेद किया, निर्बाध इतिहासवाद, आर्थिक निर्धारणवाद की समालोचना और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो ग्राम्सी ने समाजशास्त्रीय योगदान के रूप में स्थापित की। अब हम इन सभी पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली अवधारणा, आधिपत्य। आधिपत्य एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग ग्राम्सी से पहले कुछ मार्क्सवादी विचारकों ने लोकतांत्रिक क्रांति के लिए कामगार वर्ग के नेतृत्व के लिए किया। ग्राम्सी ने इस अवधारणा को व्यापक रूप देते हुए इसका विश्लेषण एक ऐसी दशा को स्पष्ट करने के लिए किया जिसके द्वारा सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग, जिसे हम बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, अन्य वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उसे बनाए रखता है। परंपरावादी मार्क्सवादियों का विचार है कि पूंजीवादी समाजों में समाजवादी क्रांति का होना एक अनिवार्य दशा है। इसके बाद भी 20वीं शताब्दी से विश्व के किसी भी विकसित देश में इस तरह की कोई क्रांति नहीं हुई। ग्राम्सी के अनुसार पूंजीवाद ने केवल हिंसा तथा राजनीतिक और आर्थिक दबाव के द्वारा ही अपने नियंत्रण को नहीं बनाए रखा, बल्कि इसके लिए पूंजीवाद के द्वारा एक विशेष वैचारिकी का सहारा लिया गया। पूंजीपतियों ने एक अधिनायकवादी संस्कृति विकसित करके इसके द्वारा अपने मूल्यों तथा आदर्श नियमों को इस तरह प्रचार किया जिससे उसे सामान्य व्यक्तियों के मूल्यों के रूप में स्थापित किया जा सके, और इसका उद्देश्य कामगार वर्ग में एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा करना था जिसमें वह पूंजीपति वर्ग की भलाई को ही अपने हित के रूप में देखने लगे। इसमें क्रांति की जगह वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखना संभव हो गया। इस प्रकार से ग्राम्सी ने आधिपत्य की जो अवधारणा है उसके बारे में समझाया। आगे ग्राम्सी ने स्पष्ट किया कि इस विशेष व्यवस्था में शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले सांस्कृतिक आधिपत्य को स्थापित करना आवश्यक होता है। उसके अनुसार विश्व की आधुनिक दशाओं में कोई भी वर्ग केवल अपने संकीर्ण आर्थिक हितों से ही अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका, और न ही यह कार्य शक्ति और उत्पीड़न के द्वारा किया जा सकता है। वास्तव में इसके लिए एक बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है जिसमें विभिन्न शक्तियों के साथ समझौता करके उनके साथ एक रूपता स्थापित की जा सके। इस प्रकार से ग्राम्सी ने जो आधिपत्य की अवधारणा है उसके बारे में लिखा कि आधिपत्य का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत आधिपत्य के रूप में स्थापित होने वाला प्रभुत्व अंतिम तौर पर एक सुविचारित उत्पीड़न, सत्ता के संकट तथा सहमति के मुखौटे के रूप में अभिव्यक्त होता है तथा शक्ति के प्रहार की वास्तविकता को स्पष्ट करता है। दूसरी ग्राम्सी की अवधारणा है बुद्धिजीवी तथा शिक्षा। ग्राम्सी ने अपने लेखों के द्वारा समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका पर व्यापक रूप से विचार किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ बौद्धिक और तार्किक क्षमता अवश्य होती है। इसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक प्रकार्य बौद्धिकता से संबंधित नहीं होते। ग्राम्सी ने आधुनिक बुद्धिजीवियों को केवल बातें करने वाले व्यक्तियों के रूप में स्वीकार न करके व्यवहारिक धरातल से जुड़े हुए उन आलोचकों के रूप में देखा जो शिक्षा तथा जनसंचार जैसे वैचारिक तरीकों से अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग तथा विचारशील वर्ग में भेद स्पष्ट करते हुए लिखा, पहला वर्ग अपने आप को से समाज से भिन्न वर्ग के रूप में देखता है, जबकि विचारशील वर्ग वह है जिसका उद्भव प्रत्येक वर्ग में से होता है, और इसी वर्ग को उन्होंने सहज बुद्धिजीवी वर्ग कहा। तीसरी अवधारणा है राज्य एवं नागरिक समाज की।
ग्राम्सी राज्य को सरकार के संकीर्ण अर्थ से स्पष्ट करना उचित नहीं मानते। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने राज्य को राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज जैसे दो भागों में विभक्त किया। राजनीतिक समाज में उन्होंने सेना, पुलिस, कानूनी व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक संस्था तथा संवैधानिक नियंत्रण को सम्मिलित किया, जबकि नागरिक समाज में उन्होंने परिवार, शिक्षा व्यवस्था, श्रमिक संघों के रूप में उन निजी अथवा राज्य के क्षेत्र से भिन्न संगठनों से जो राज्य तथा अर्थव्यवस्था के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार से ग्राम्सी ने इन दोनों को समझाया। चौथी उनकी अवधारणा है इतिहासवाद। मार्क्स की तरह ग्राम्सी भी इतिहासवाद के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार मानव की सभी क्रियाओं का अर्थ व्यक्ति की व्यवहारिक गतिविधियों तथा ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध का परिणाम होता है। इसका तात्पर्य है कि विचारों को उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। जिन अवधारणाओं के आधार पर हम विश्व के बारे में अपने ज्ञान को विकसित करते हैं, वह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष तरह के सामाजिक आर्थिक संबंधों की उपज होता है। यही कारण है कि मानवीय प्रकृति अपरिवर्तनशील नहीं होती। इसी तरह दर्शन तथा विज्ञान भी किसी ऐसे यथार्थ से संबंधित नहीं होते जो मनुष्य से पूरी तरह स्वतंत्र और बाह्य हो। इस प्रकार केवल उसी सिद्धांत को सही माना जा सकता है जो एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कुछ दशाओं के वास्तविक विकास को अभिव्यक्त करता है। पांचवा जो ग्राम्सी का सिद्धांत है वह है आर्थिक निर्धारणवाद की समीक्षा। कारावास से पहले ग्राम्सी द्वारा लिखित लेख दास कैपिटल के विरुद्ध क्रांति में ग्राम्सी ने लिखा कि रूस में होने वाली अक्टूबर क्रांति ने इस विचार को नकार दिया कि उत्पादन की पूंजीवादी शक्तियों का पूर्ण विकास होने तक क्रांति के लिए प्रतीक्षा करनी होती है। इसका अर्थ यह है कि मार्क्सवादियों के आर्थिक निर्धारणवाद का दर्शन व्यवहारिक नहीं है। ग्राम्सी के अनुसार आर्थिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों ही एक आधारभूत ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम होता है तथा इनमें से किसी को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कामगार आंदोलन के आरंभिक स्तर पर श्रमिकों का यह विश्वास बहुत प्रबल था कि कुछ ऐतिहासिक नियमों के कारण उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन ग्राम्सी ने आर्थिक निर्धारणवाद अथवा अर्थवाद की समालोचना के लिए इटली के श्रमिक संघों का निर्माण करने वाले नेताओं की भूमिका पर भी विचार किया। इटली में श्रमिक संघों के अनेक नेता ऐसे सुधारकों के रूप में बदल गए जिन्होंने राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष से इनकार कर दिया। जिस तरह शासक वर्ग अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए तात्कालिक आर्थिक हितों से आगे कुछ भी नहीं सोचता, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसी तरह कामगार वर्ग भी अपने लिए कुछ ऐसे हितों को महत्व देने लगता है जो समाज के विकास के लिए उपयुक्त और सुसंगत हो। ग्राम्सी ने जहां एक ओर पूंजीवादी समाज में श्रमिक संघों को अधिनायकवादी शक्तियों के विरोधी संगठन के रूप में देखा, वहीं श्रमिक संघ अपने आप को एक ऐसे साधन के रूप में देखने लगते हैं जिससे विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत ही वे अपनी दशाओं में सुधार कर सकें। श्रमिक संघों के इस तरह के विचारों को ग्राम्सी ने अभद्र अर्थवाद के नाम से संबोधित किया। यह वह दशा है जो सुधारवाद तथा उदारतावाद का ही एक विशेष रूप है एवं आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा का विरोधी है। अगला ग्राम्सी का विचार है भौतिकवाद। भौतिकवाद पर ग्राम्सी के विचार। ग्राम्सी ने माना कि मानवता से स्वतंत्र, स्वयं में और स्वयं के अस्तित्व से संबंधित मार्क्सवादी विचार वास्तविकता से परे हैं। मार्क्स का यह विचार कि एक भौतिक दुनिया मानव इतिहास तथा दैनिक जीवन से भिन्न होती है, व्यवहारिक रूप से ईश्वर में विश्वास करने के समान है। ग्राम्सी ने वस्तुनिष्ठता अथवा यथार्थ को एक सार्वभौमिक अंतर विषय परकता के आधार पर परिभाषित किया जिसे स्थापित करना भावी साम्यवादी समाज के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से प्राकृतिक इतिहास मानव इतिहास के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। इस अर्थ में जिसे हम दार्शनिक भौतिकवाद कहते हैं उसे धार्मिक विश्वासों का विरोधी नहीं माना जा सकता। ग्राम्सी के अनुसार भौतिकवाद पर आधारित मार्क्स का दर्शन केवल सर्वहारा अथवा अधीन वर्ग के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षित वर्ग की वैचारिकी को समझा जाए। इसका तात्पर्य है कि मार्क्सवादियों द्वारा भौतिकवादी दर्शन को
एक अधिक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना और अपने विरोधियों के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना भी आवश्यक है। इस प्रकार ग्राम्सी का जो महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र के प्रति, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।